साथियों, अब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बुलंदशहर लोकसभा, जो सुरक्षित सीट है, उसका विश्लेषण करने जा रहे हैं। उसका वोट दूसरे चरण में पड़ चुका है और ये सीट भी बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि ये सीट लड़ते तो हैं भाजपा, लेकिन जो भाजपा का जो कैंडिडेट होता है तो यहाँ डिसाइड करने में जो श्री कल्याण सिंह जी हैं, जो इस समय राजस्थान के राज्यपाल हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ का कैंडिडेट डिसाइड करते हैं हमेशा भाजपा में। तो पिछली बार भी उन्होंने भोला सिंह, जो खटीक समाज के हैं, अनुसूचित जाति में आती है, उनको इन्होंने रिकमेंड किया था और भोला सिंह जीते थे पिछली बार और वो इस समय सिटिंग एमपी हैं, उनको दोबारा से फिर टिकट मिला है। और दूसरा, ये महत्वपूर्ण सीट इसलिए भी है कि आपको पता होगा कि जब काशीराम जी भी इटावा से चुनाव लड़ रहे थे, वो जीते थे इटावा से, मुलायम सिंह जी ने उधर समर्थन दिया था 91 में, उस समय बहन कुमारी मायावती जी भी इसी बुलंदशहर सीट से, ये जनरल सीट पे, उस समय जनरल सीट थी और रिजर्व हो गई है, तो जनरल सीट से वो यहाँ पे चुनाव लड़ी थी और यहाँ पे विवाद हो गया था, जिसकी वजह से उनको नैनी जेल में जाना पड़ा था। और उसमें नैनी जेल में जाने के बाद में काशीराम जी ने आंदोलन चलाया उनको बाहर निकालने के लिए पूरे देश भर में। चौदह अनुसूचित जाति का जो वोटर था वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में उस समय काफ़ी जुड़ा था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा था, जो उनका जो भविष्य है वो बुलंदशहर के साथ में बहन जी का भी जुड़ा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी सीट से, अगर नगीना से हटती हैं, तो वो प्रधानमंत्री बनने की जब उनका नंबर आएगा तो बुलंदशहर सीट से भी लड़ सकती हैं। इसलिए उन्होंने बहुत ही अपने जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, जिनकी पत्नी मेरठ की मेयर भी हैं इस समय, उनको, योगेश वर्मा जी को, आपने सुना होगा कि योगेश वर्मा जी जेल में ही बंद रहे जब 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उसमें आरोप लगाया गया कि इन्होंने मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका अदा की थी। इसलिए इनके साथ में अनुसूचित जाति का जो वोटर है वो अपनी जान छिड़कता है योगेश वर्मा जी के साथ में। तो यहाँ पे जो अनुसूचित जाति का वोटर है उसमें, उसको इकट्ठा रखने की क्षमता योगेश वर्मा जी में व्यक्तिगत रूप से भी है, और पार्टी का जो वोट है वो बहन जी का, पहले जो ये जनपद था ये बुलंदशहर में था, अब गौतम बुद्ध नगर में मतलब जुड़ गया है, तो इसलिए इस वजह से ये बुलंदशहर सीट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के लिहाज से भी है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और तीसरा, जो कांग्रेस का जो कैंडिडेट है श्री बंसी सिंह पहाड़िया, ये पहले मतलब विधायक रह चुके हैं और ये भी खटीक समाज के हैं। तो दोनों जो कैंडिडेट, डॉक्टर भोला सिंह और बंसी सिंह पहाड़िया, दोनों खटीक समाज के हैं और ये योगेश वर्मा जो है जाटव समाज के हैं। तो ये तीनों का मुकाबला है वहाँ पे आपस में, लेकिन कांग्रेस कितने वोट काट पाती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन सीधी टक्कर योगेश वर्मा और भोला सिंह में लग रही है। तो इस बार जो है, जो अगर उसको समीकरण को देखा जाए तो आपका 3 लाख यहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं रिजर्व सीट पे, और जो शेड्यूल कास्ट के मतदाता हैं 2.5 लाख हैं, तो 5.5 लाख मतदाता तो मुस्लिम और शेड्यूल कास्ट हैं। यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के लिए ब्राह्मण मतदाता भी वोट देते हैं, और जो गुड्डू पंडित को जो उधर से टिकट दिया गया है आगरा से, तो इस क्षेत्र में बुलंदशहर में उनकी सीट आती है, तो उनकी सीट जो डिवाई है वो बुलंदशहर में आती है, और डिवाई का जो मतदाता है ब्राह्मण,
उसको ट्रांसफ़र करवाने के लिए इसमें योगेश वर्मा जी को उनको वहाँ से टिकट दिया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब जो भूमिका है इनकी गुड्डू पंडित की। तो इसलिए अगर ये अपना ब्राह्मण वोट यहाँ पर ट्रांसफ़र करवाते हैं बीएसपी के लिए तो 210,000 वोट जो है यहाँ पे ब्राह्मण का भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ब्राह्मण मतदाता हैं वो बीएसपी को वोट देते हैं और यहाँ पर जो ओबीसी का जो मतदाता है वो भी मतलब देते हैं। और ख़ास तौर से यहाँ पर इस क्षेत्र में जाट बहुत बड़ी संख्या में है। तो जाट जो मतदाता हैं, चूँकि आप देखेंगे इसमें 5 विधानसभाएं लगती हैं, बुलंदशहर एक हो गया शहरी क्षेत्र है, दूसरा सियाना है और तीसरा अनूपशहर है और डिवाई है और शिकारपुर है। तो डिवाई आप देखेंगे कि इसमें लोधी बाहुल्य और ब्राह्मण का मतलब ज़्यादा वोट है, शेड्यूल कास्ट का भी वोट है उधर। अनूपशहर है, अनूपशहर में आपका वैश्य मतदाता भी हैं, वैश्य मतदाता 2,10,000 हैं, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मदद करते हैं। तो इसमें अब कितनी सेंध लगा पाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि एक बुलंदशहर के अंदर अभी एक जो थाना इंचार्ज थे उनका एक उसके विवाद हुआ था, उसमें उनका हत्या भी हुई थी, काफ़ी विवाद में रहा है बुलंदशहर अभी पीछे दिनों में। तो ये बहुत ही क्रूशल क्षेत्र है बुलंदशहर का। और इस बार चूंकि काफ़ी समय से बीएसपी अकेले में अपनी किस्मत आजमाती रही है लेकिन नहीं जीत पाई, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी के ये योगेश वर्मा जी, चूंकि यहाँ पे जाट यादव मुसलमान जाटव ये सब इनको इकट्ठा वोट मिलने के कारण समीकरण, जाति समीकरण इनके फेवर में जा रहा है। और जो भाजपा के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, एक जो एंटी इनकम्बेंसी चल रही है उसके चलते ये रिजर्व सीट इस बार जो है काफ़ी लंबे अरसे के बाद में बहुजन समाज पार्टी के खाते में जा सकती है, गठबंधन के खाते में ये जा सकती है। क्योंकि इधर हैंड पाइप, हाथी और साइकिल का तीनों का वोट इकट्ठा अगर कर दिया जाए पिछले इलेक्शन का, तो ये वैसे भी जीत रही है पिछले विधानसभाओं के अगर उसका वोट जोड़ लिया जाए। तो इस आधार पर ये मैं इसको कह सकता हूँ कि योगेश वर्मा इस सीट को जीत सकते हैं। और बहरहाल असली बात तो 23 मई के लिए ही पता लगेगी, लेकिन हमारा अनुमान है और ये मोर और लेस ठीक होना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।